हरे कृष्णा, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम समझेंगे अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोगों के साथ अच्छा क्यों होता है। इस वीडियो को हमने तीन भागों में विभाजित किया है। पहले भाग में हम समझेंगे ऐसा क्यों होता है, दूसरे भाग में हम समझेंगे इसे निर्धारित कौन करता है, और तीसरे भाग में हम समझेंगे इससे बचा कैसे जाए। पहले भाग की तरफ चलते हैं। पहले भाग में हम समझ रहे हैं कि ऐसा होता क्यों है। आम तौर पर हम हमारे चारों तरफ देखते हैं कुछ बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन उनके साथ हमेशा बुरा होता रहता है। लोग उनके साथ बुरा करते हैं, घटनाएं उनके साथ बुरी होती है और वो हमेशा चिंतित रहते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ से कुछ लोग जो बहुत बुरे हैं, उनके साथ हमेशा अच्छा होता रहता है, लोग भी उनके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यह है कर्म का विज्ञान। मान लीजिए आपके पास में चार तरीके के बीज हैं। पहले बीज को जब आपने जमीन में रोपा तो उसे पौधा बनने में 4 से 6 दिन लगा। दूसरे बीज को जब आपने जमीन पर रोपा तो उसको पौधा व पेड़ बनने में 4 से 6 महीना लगा। तीसरे बीज को जब आपने जमीन में बोया तो उसको 4 से 6 साल और चौथे बीज को 10 से 20 साल लगा। तो हम देख सकते हैं अलग अलग बीज जो हैं उनको उगने में और पौधा या पेड़ बनने में, फल देने में अलग अलग समय अवधि लगती है। ठीक उसी प्रकार से हमारा कर्म भी कुछ इसी बीजों के जैसे होता है। जैसे कि आपने अगर कोई अच्छा कर्म किया तो उसको अच्छा फल देने में कुछ समय लगेगा, और आपने बुरा कर्म किया तो उसको फल देने में भी कुछ समय लगेगा। बिल्कुल एक बीज के समान। तो अलग अलग कर्म हमें अलग अलग समय पर फल देते हैं। तो आज किसी के साथ अच्छा हो रहा है तो उसने पहले या तो इसी जन्म में या पिछले किसी जन्म में कुछ अच्छा काम किया था, और किसी के साथ अगर बुरा हो रहा है तो भले ही वो व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसने कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई गलती की थी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने अगर किसी को थप्पड़ मार दिया तो उसका प्रभाव आपको तुरंत देखने को मिलेगा। अगर आपने आइसक्रीम बहुत ज़्यादा खा ली ज़रूरत से ज़्यादा तो आपको 3 से 4 दिन में उसका प्रभाव देखने को मिलेगा। अगर आपने जो है रास्ते में जा रहे हैं और आपको एक कुत्ता खा लेता है तो उसका प्रभाव आपको 10 से 15 दिन में मिलेगा, लेकिन तभी जब आप डॉक्टर के पास नहीं जाते। इसे कहते हैं रेबीज नाम की बीमारी, जिसमें व्यक्ति जो है कुत्ते के जैसा भौंकना शुरू कर देता है, प्राय कुत्ते के जैसा व्यवहार करने शुरू कर देता है। और अगर मान लीजिए आप पढ़ाई नहीं करते हैं या अपना बिजनेस ठीक से नहीं करते हैं तो हमें जो है उसका प्रभाव 4 से 6 साल में देखने को मिल सकता है। तो ये था हमारे साथ अच्छा क्यों होता है और बुरा क्यों होता है। अब हम दूसरे भाग की तरफ बढ़ते हैं। ये कौन निर्धारित करता है, मुझे खुद को नहीं पता यहाँ तक कि मैंने कौन सा गलत काम किया था जिसकी वजह से आज मुझे जो है उसका बुरा फल मिल रहा है। तो हमें शास्त्रों में देखना पड़ेगा। शास्त्र बताते हैं कर्मणा दैव नेत्रेणा जंतुर देह उपपद्यते। इसका मतलब यह है भगवान श्री कृष्ण जो है परमात्मा रूप में हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, उनके हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म है, और वो हमेशा एक CCTV कैमरे के जैसे सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हैं, नोट कर रहे हैं, और उसके हिसाब से सभी लोगों को वो फल दे रहे हैं। अब तीसरे भाग की तरफ हम चलते हैं कि इसे बचा कैसे जाए। तो इसके लिए हम एक उदाहरण से इसको समझेंगे। मान लीजिए एक चोर है, वो चोर जो है चोरी करता है तो पुलिस क्या करेगी, उसको दंड देकर उसके उस कर्म को खत्म करने का प्रयास करेगी, उसको सुधारने का प्रयास करेगी। लेकिन चोर जो है गुस्सा होकर उल्टा पुलिस के ऊपर ही हाथ उठा दे तो उसका प्रभाव उसको ज़्यादा मिलेगा। तो इसका तरीका क्या है, चोर को क्या करना चाहिए, आप बिल्कुल सही समझे, उसे पुलिस को आत्मसमर्पण कर देना है, उसको अपनी गलती को स्वीकार करना है, उसको नियमों को समझना है कि मुझे चोरी क्यों नहीं करनी है। ठीक उसी प्रकार से हम सभी मनुष्यों को भी इन कर्म के नियमों को समझना है, इसके खेल को समझना है, और जब हम समझ जाएंगे उसको समझने के बाद जो इस कर्म के नियमों को बनाने वाले जो है वह भगवान श्री कृष्ण, उनको हमें समर्पण कर देना है। अगर हम उनको समर्पण करेंगे तो वो हमारे सारे कर्मों को खत्म कर देंगे। भगवान कहते भी हैं भगवद गीता के 18वें अध्याय में, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो
मोक्षयामि मां शुचः। इसका मतलब है, हे अर्जुन, अगर तुम अपने आप को मुझे पूरी तरीके से समर्पित कर देते हो तो मैं तुम्हें सारे कर्मों के प्रभाव से मुक्त कर दूंगा। उसके बाद में हमारे जीवन में कुछ भी बुरा घटित नहीं होगा। तो आज हमने समझा कि हमारे कर्म जो हैं हमारे अच्छे या बुरे फलों का कारण बनते हैं। तो इसीलिए हमेशा हमें क्या करना है, अच्छा कर्म करते हुए भगवान को समर्पण करना है और उस तरीके से हम एक खुशहाल जिंदगी जी सकते हैं। हरे कृष्णा।